बेटा आपको आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से परीक्षा पे जो चर्चा में आपने रिटिंग में भेजा था उसका आभार जताया है, तो किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो हमें पत्र मिला है, मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये पत्र भेजा। और जैसे बच्चों को बहुत तनाव हो जाता है परीक्षा के वक्त पर, तो उन्हें तनाव नहीं होना चाहिए, उन्हें तनाव मुक्त रहना चाहिए। पास फेल की कोई उन्हें चिंता नहीं होनी चाहिए, परीक्षाएं तो चलती रहती है, लेकिन जीवन जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारे टीचर स्टाफ इन सब ने मुझे सम्मानित किया और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और परिवार का किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको पढ़ाई को लेकर? मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है, वो मुझे हर फील्ड में आगे देखना चाहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं इन सब। पढ़ाई को लेकर यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आजकल लड़के लड़कियों में कुछ भेदभाव नहीं रह गया, लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल चुकी हैं, और हर फील्ड में जहां भी देखें लड़कियां भी आगे हैं अब। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही और परीक्षा पे चर्चा की तरह ही और सब भी चीज़ों में भाग लेना चाहिए सभी को, चाहे वो कोई। इसके प्रधानमंत्री ने प्रशंसा पत्र भेजा, क्या आपको पता था और पता लगने के बाद कैसा महसूस हुआ? मुझे पहले नहीं पता था कि पत्र आया, लेकिन आज सुबह जब मुझे पता लगा मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने टीचर्स को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने आपकी बेटी को जो परीक्षा पे चर्चा हुई थी उस चीज का आभार व्यक्त किया है, क्या कहेंगे? सर, मैं इस चीज़ को जान के बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी, हमारे घर की लड़की, इस देश की लड़की ऐसे आगे बढ़ रही है। मैं सभी लड़कियों के लिए, देश की लड़कियों के लिए यही चाहती हूँ कि ऐसे ही वो पढ़ लिख के अपने देश का नाम रोशन करें, आगे बढ़े, हर दिन को एक एक दिवस की तरह मनाएं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस दिवस को हमारे लिए एक स्पेशल बना दिया, हमारी बेटी ने अपने अपने शब्द लिखे और उसको प्रधानमंत्री जी ने इतने ध्यान से उसको सुना समझा, वैसे ही मैं चाहती हूँ हर लड़की, घर की, हर घर में हर एक घर की लड़की ऐसे ही आगे बढ़े, हमारे देश का नाम रोशन करे। हमें बहुत तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ये दिन हमें भी दिया कि हम भी अपनी बेटी के बारे में बता पा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हर देश की, हर लड़की के पास, हर माँ के पास ये दिन आए कि वो ऐसे ही अपने आभार व्यक्त कर सके। धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रशंसा पत्र भी दिया, हाँ जी कैसा महसूस हो सर, रहा है? बहुत खुशी, बहुत महसूस हो रही है हमें। हम यही बस यही सोचती हूँ कि यही दिन सब सब माओं की ज़िंदगी में ये दिन ज़रूर आना चाहिए कि जो खुशी आज हम देख रहे हैं कि हमने पढ़ा लिखा के अपना समय लड़कियों को दिया, जो कि आज के समय में बहुत ही कम है। लड़कियों को समय बहुत कम दिया जाता है, घर के काम काज में हर जगह उनको कम निकाला जाता है। तो इससे हमें एक नई सीख मिलती है कि हमें अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके हमें लड़कियों को प्रेरित करना चाहिए कि हम आगे उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश का नाम ऐसे ही रोशन होता रहे।